जो ये कर रहे हैं उनकी खामी नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। हाँ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, वो गुनहगार नहीं है। उनको पाठिंबा देने वाली महानगर पालिका यंत्रणा गुनहगार है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जिम्मेदारी है वो यंत्रणा की है कि वो इन चीज़ों का पता लगाए। और अपराधी तो अपराधी का काम ही अपराध करना है, लेकिन अपराध को रोकना काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन अपराध को नहीं रोकेगी तो अपराध रुकने वाला नहीं है, एक की गुना दस में बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में राजेंद्र ढगे जी है, रुग्ण मित्र रहकर काम करते हैं वसई विरार में। काफ़ी अच्छा काम है इनका पिछले लंबे समय से। यहाँ होने वाले छोटे मोटे बड़े छोटे हर मरीज को क्या सहायता मिल सकती है, उसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में वसई विरार में एक प्रकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है, वो है बोगस डॉक्टर प्रकरण। तो बोगस डॉक्टर प्रकरण में भी इनकी कुछ भूमिका है, लेकिन हम उस पर बात इनसे फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी मामला पुलिस स्टेशन में है। बोगस डॉक्टर हेमंत पाटिल को ऑलरेडी पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है, उनके ऊपर केसेस दर्ज हो चुके हैं और दिन ब दिन उनके अलग 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 प्रकरण उगड़ हो रहे हैं। लेकिन हम राजेंद्र ढगे जी से भी जो मुलाकात करेंगे, वो चर्चा करेंगे कि इस मेडिकल फील्ड में क्या बेहतर किया जा सकता है, और बोगस डॉक्टर जो है उनका शोध किस तरह से किया जा सकता है। राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार, एक बार अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं रुग्ण और डॉक्टर के बीच का जो एक सामायिक दुआ रहता है उसको रुग्ण मित्र कहते हैं, एक विश्वास नाम रहता है। तो हम लोग वैद्यकीय समुदेशन और वैद्यकीय आर्थिक मदद कहाँ से मिल सकती है पेशेंट को, उस पर हम लोग काम करते हैं। और जो कुछ भी शासकीय जो योजना है वो मरीजों तक पहुँचे जाने में हम लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं। तो अभी ये जो बोगस डॉक्टर का मुद्दा है या बोगस प्रकरण जो है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हर एक डॉक्टर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर रहता है। तो उस डॉक्टर ने उस रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र उसके क्लिनिक के बोर्ड पर करना चाहिए, उसकी डिग्री के साथ, प्लस जो वो प्रिस्क्रिप्शन पैड रहता है जहाँ पर वो दवाई वगैरह क्या है वो लिख कर देता है वगैरह, या उस पर क्या ट्रीटमेंट हो रही है उसका जो मूल्यमापन जो करते हैं, उस पर भी उस डॉक्टर का पूरा नाम, उसका डिग्री और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। प्लस वो जिस महानगर पालिका क्षेत्र में काम करता है या उधर जिसका उधर क्लिनिक है, वो क्लिनिक महानगर पालिका में रजिस्टर होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र उसने उसके क्लिनिक में लगवाना चाहिए, ताकि हम जैसे सामान्य लोगों को पता चले कि ये डॉक्टर हाँ वैलिड डॉक्टर है या ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप भी किसी मेडिकल साइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल सकता है। अभी ऐसा है कि अभी जो साहब बोल रहे हैं कि हेमंत पाटिल प्रकरण जो है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी यंत्रणा नहीं है जो सेंट्रलाइज है। अभी देखिए, कोई गुंडा रहेगा, जैसे अभी दाऊद इब्राहिम गुंडा है, सब लोगों को पता है, और उन्होंने इंटरपोल के मार्फत हर एक कंट्री में उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस है। वैसे ही ऐसी यंत्रणा होनी चाहिए कि ऐसे बोगस डॉक्टरों को अपने महानगर पालिका में या उस जिला वैद्यकीय अधिकारी ने ऐसा करना चाहिए कि वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। उसका इंफॉर्मेशन हर एक ज़िले में देना चाहिए कि बाबा ये बोगस है या ऐसे ऐसे नामक बोगस डॉक्टर है, अगर ये आपके एरिया में या आपके विभाग में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे सेंट्रलाइज होना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात काटूंगा बीच में, माफ कीजिएगा। एक जो शासन का जीआर है जिसमें बोगस डॉक्टर को शोध करने की समिति होनी चाहिए, बराबर, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वसई विरार में ऐसा कोई शोध समिति है? अभी कैसा है, मैं जब इस बारे में मैंने जब जानकारी ली, तो मुझे कोरोना का कारण आगे किया मेरे कि कोरोना होने के कारण हम लोग ने उतना कार्रवाई नहीं किया या ऐसा नहीं है। लेकिन कैसा है कि बोगस डॉक्टर शोध समिति होनी चाहिए, तालुका स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय होनी चाहिए, और उनका यही काम है कि वो बोगस डॉक्टर को ढूंढे और उनकी जानकारी महीने के 10 तारीख के पहले पुलिस महासंचालक तक पहुंचाई जाए। अभी हमारे यहाँ पर महानगर पालिका स्थापित 2009 से चालू है, तो 2009 से
वैद्यकीय अधिकारियों ने या महानगर पालिका के बोगस डॉक्टर समिति ने कितने डॉक्टर पर कार्रवाई की, कौन से महीने में कौन से डॉक्टर उन्होंने उजागर किए, ये बोगस है, उनका तफसीलवार माहिती लोगों के सामने आज आना चाहिए, उन्होंने खुद सामने से रहना चाहिए, ऐसा है। वैसे विरार में देखा जाए तो बड़े अस्पतालों को साइड में कर दिया जाए, तब भी छोटे छोटे क्लिनिक जो है गली मोहल्ला में बहुत है, उनकी विश्वसनीयता कैसे मालूम पड़ेगी? देखिए कैसा है कि उनकी विश्वसनीयता ऐसा है कि एक तो वो हॉस्पिटल महानगर पालिका में रजिस्टर रहते ही है, ओके, तो हर 6-6 महीने बाद महानगर पालिका में वहाँ पर इंस्पेक्शन करना चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए कि बाबा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे ही घटनाएं अपने महानगर पालिका के अंतर्गत हुई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि जिसमें बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया था और बहुत सारी बात महानगर पालिका को पता नहीं थी या उन्होंने पता करने की कभी कोशिश नहीं की। तो मेरा यही कहना है कि ये विश्वास कब आएगा, जब तक आप प्रॉपरली आपका काम नहीं करोगे तब तक ये विश्वास जनता तक पहुँचेगा नहीं। एक अहम सवाल ये है कि इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार जो है यंत्रणा महानगर पालिका मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए कुछ कमेंट करना नहीं चाहता मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने क्लास वन ऑफिसर की मांग की है अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर जो कोई भी है वो BMS या मेरे मुझे क्लास वन ऑफिसर चाहिए, दैट्स इट, बाकी वो कौन सी भी डिग्री होने दो, क्योंकि उसको जब इस विषय का गंभीर अगर पता रहेगा तो ही कुछ अच्छा हल हम लोगों को मिल सकता है। हमारे यहाँ पर महानगर पालिका में सरकारी योजना ही नहीं या उस पर कभी उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है। अगर हमको कुछ रिवेन्यू जनरेट होता है तो हम लोग नई सुविधाएं दे सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक RTI डाला था, उसमें ऐसे पता चला कि 5 साल में सिर्फ 344 ऑर्थो सर्जरी हुई, यानी साल में 68 ऑपरेशन हुए महानगर पालिका के कुलिंग हॉस्पिटल। कुल कहने का मतलब ये कि एक माने में महानगर पालिका खुद ही प्रेरित करती कि आप कहीं और जाओ वहाँ पे। हाँ, वही कैसा है कि आप कुछ नई सुविधाओं दोगे तो हम लोगों को कुछ मिलेगा। हम हर टाइम महानगर मुंबई पर या वलसाड़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। एक सवाल ये है कि जब एकाध केस में ऐसे भी जो प्रकरण उभर हुए हैं उसमें जो बहुत डॉक्टर है इन्होंने जहाँ जहाँ दूसरी जगह जाके ऑपरेशन किए या प्रैक्टिस किए उनको लेकर महानगर पालिका की क्या भूमिका होनी चाहिए, आपकी क्या राय? अभी ऐसा है कि अभी ये जो सवाल जो है ना वो बहुत अहम है। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि बीड जिला में अगर गर्भाशय की थैली अगर निकालनी है किसी औरत की तो उधर उनको जिलाधिकारी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ओके। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सुविधा होना चाहिए कि आप कौन सा भी टाइप का ऑपरेशन करो आपको उसकी नोट महानगर पालिका में करनी ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके पता चले ना कि बाबा कौन सा ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किधर किया था, और अगर उसको कुछ तकलीफ होती है पेशेंट को या डॉक्टर को भी हो सकती है नॉट पेशेंट, तो उनके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि बाबा ये ऑपरेशन इस तारीख को इधर इधर हुआ। तो ये ऐसा सेंट्रलाइज यंत्रणा उन्होंने महानगर पालिका ने बनवाना चाहिए। प्लस मेरे कहने में मेरे सुनने में ऐसा भी आया है कि अभी महानगर पालिका हर डॉक्टर का मार्कशीट वगैरह सब चेक कर रही है, तो हर साल महानगर पालिका उनका उन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रिनोवेशन करती है। तो महानगर पालिका में हर एक डॉक्टर का फोल्डर होना चाहिए, जैसे अभी राजेंद्र डगे है तो राजेंद्र डगे की डिग्री क्या है, राजेंद्र डगे किधर प्रैक्टिस करता है, क्या प्रैक्टिस करता है, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी हर एक जानकारी एक लिंक पर महानगर पालिका के वेबसाइट पर भी होनी चाहिए और महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए। जब एकाध ऐसा डॉक्टर है जिसने डिग्री कहीं किसी और राज्य से ली है लेकिन वो महाराष्ट्र के अपनी महानगर पालिका के इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, कर सकते तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं कर सकते हैं ना वो लोग, कर सकते हैं। अभी अपने यहाँ पर ज़्यादातर रशिया वगैरह से MBBS करके आते हैं तो उनको यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर कहीं पर भी प्रैक्टिस करो आपको उस लोकल अथॉरिटी का महानगर पालिका हो तालुका हो आपको वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको वो बोगस कहा जाएगा? नहीं देखिए उस पर क्या है ना, ये इसीलिए तो बोगस डॉक्टर शोध समिति रहती है ना,
हर महीने में उन्होंने ये जांच करनी चाहिए कि भाई कौन सा डॉक्टर कहाँ पर बैठता है, क्या करता है, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर किया है क्या, नहीं किया है तो आप नोटिस भेज सकते हो। दो नोटिस भेजने के बाद आपको वो प्रावधान है कि आप उसके ऊपर FIR कर सकते हो, ऐसा है। अभी ये हेमंत पाटिल ने जो जो हॉस्पिटल में ऑपरेट किया, तो मेरा तो आह्वान है पेशेंट को कि जिस जिसने उस डॉक्टर के पास से ऑपरेशन किया वो सामने है, आ गया है और वैसे ही जॉब पोजिशन में जाके उसका कंप्लीट कर, और हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में उसने OT यूज़ किया है या उस हॉस्पिटल में भी आगे आकर उसके अगेंस्ट कंप्लीट दर्ज करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से उस हॉस्पिटल की भी उसने फसवणूक की है। ऐसा भी सुनने में आया कि डॉक्टर हेमंत पाटिल और डॉक्टर वाडकर इन्होंने दोनों ने एक साथ संयुक्त रूप से भी कहीं पे ऑपरेशन किया है, तो क्या ये सिंडिकेट का एक हिस्सा हो सकता है? हो सकता है, बोल नहीं सकते, हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी राजेंद्र ढगे जी से, इन्होंने किस तरह से पूरी इस यंत्रणा के बारे में जानकारी दी। और हमारे देश में भगवान, हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह भगवान उनको मानते हैं, लेकिन ज़मीन पर हम ये कहते हैं कि ज़मीन पर हमारा भगवान जो है वो डॉक्टर होता है, भगवान का रूप होता है। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका में ये भगवान के रूप, जिनको हम भगवान का रूप मानने की बात कर रहे हैं, वो असल में यमराज का रूप धर के आए हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ लोग जो है कुछ पैसा बनाने के जुगाड़ में लोगों की जान से खेल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी खामी इन लोगों की नहीं है, जो ये कर रहे हैं उनकी खामी नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। हाँ, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, वो गुनहगार नहीं है, उनको पाठिंबा देने वाली महानगर पालिका यंत्रणा गुनहगार है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जिम्मेदारी है वो यंत्रणा की है कि वो इन चीज़ों का पता लगाए। और अपराधी तो अपराधी का काम ही अपराध करना है, लेकिन अपराध को रोकना काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन अपराध को नहीं रोकेगी तो अपराध रुकने वाला नहीं है, एक की गुना 10 में बढ़ने वाला है, 10 की गुना 100 में बढ़ने वाला है। इसके लिए ये महानगर पालिका को चाहिए। वसई विरार में हाल ही में नए आयुक्त आए हैं अनिल पवार सर, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि लोगों की जान से खेलना बंद कीजिए, और इन चीज़ों के ऊपर जितना जल्दी हो सके, अभी ये कोरोना का थर्ड लॉट चालू हो चुका है, तो कोरोना को बहाना मत बनाइए। कोरोना अपनी जगह पे है, उसके लिए यंत्रणा लड़ रही है, लेकिन दूसरी जो डिजीज है उसमें भी क्या क्या चल रहा है उसका पूरा आप ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, हमारे से बात करने के लिए राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।